न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव रहीना में शहीद स्मारक के सामने बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने तथा 10 दिन पूर्व शहीद संदीप यादव के परिजनों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते आज भारी संख्या में ग्रामीण जिला सचिवालय पहुंचे। इन ग्रामीणों ने सचिवालय को न केवल जोरदार विरोध प्रदर्शन किया बल्कि नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो अहिरवाल के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। क्या है इन लोगों की मांग, सुनिए इन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। दरअसल भाई संदीप यादव डहीना से जो शहीद हुए थे हमारे, तो उनकी जो मूर्ति बनाई गई है शहीद की, तो उसके आगे बस स्टैंड वगैरह बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहाँ के लोगों ने, उनके परिवार ने उनका विरोध किया है, तो पुलिस प्रशासन ने उन पर हाथ उठाया और उसकी पिटाई की है। तो उसके विरोध में हमारे माननाथ वहाँ बस स्टैंड बने और उनके जो साथ दुर्व्यवहार किया गया है उनके लिए प्रशासन माफी मांगे और उसको जिस आईओ ने उसके ऊपर हाथ उठाया उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। आज की हमारी मांग है ये डीसी साहब से, डीसी मोदी से, इसलिए हम यहाँ पर आए। मुद्दे चलते रहते हैं लेकिन हम प्रशासन से पहले हम अपने लोगों के लिए आगे खड़े होंगे। हमारे शहीद है, देश के शहीद का दर्जा दिया है जब देश में, और हमारे क्षेत्र के, तो हमारा आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसे अगर प्रशासन ने माफी नहीं मांगे तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। शहीद का अपमान ही, मैं तो कहूंगा कि शहीद का अपमान किया गया है, जो कि उसके परिवार ने जो शहीद की जो मूर्ति बनवाई गई उसके आगे प्रशासन के द्वारा एक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। जब परिवार ने उसका विरोध किया तो अवैध तरीके से परिवार को उठाकर उनके साथ मारपिटाई की, अभद्रता की गई, तो उसके लिए हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अगर भी उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो बहुत जल्द पूरे दक्षिणी हरियाणा में बड़े आंदोलन की तैयारी की। सबसे बड़ा वो जो वीडियो देखा है उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो तो शहीद का आम आदमी के साथ भी गलत भाषा है, बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। जो वहाँ के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अरे ताना शाही नहीं।